है, फिल्में भी सब हिट हो रही हैं, बॉक्स ऑफिस भी जो है अपना धड़ाधड़ चलता रहता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों लगा कि प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए? या ये अभी नहीं लगा एक्चुअली, ये इन सब चीज़ों और नेशनल अवार्ड के पहले लगा था. आई थिंक हर एक्टर के लाइफ में या हर इंसान के लाइफ में एक टाइम आता है जब उन्हें लगता है कि यार अभी ये तो अच्छा है बट और क्या, व्हाट नेक्स्ट, यू नो. एंड फॉर मी आई फील क्रिएटिवली इंक्लाइंड, आई ऑलवेज हैव, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स, टेल स्टोरीज, यू नो, इन वेज अदर देन जस्ट बीइंग एन एक्टर ऑन सेट. और मुझे एक ऐसी फिल्म के लिए करना था जहाँ मैं बहुत मैडली पैशनेट हूँ उस कहानी को लेकर. और दो पत्ती वो ऐसी कहानी थी जो जर्म से लेकर, आइडिया से लेकर, आई वॉज विथ कनिका, यू नो, थ्रू द फिल्म. ऑल्सो आई थिंक मिमी के बाद कहीं ना एज एन एक्टर आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट आई वॉन्टेड टू फाइंड समथिंग जहाँ, यू नो, लेयर्ड हो, इंटेंस हो. एज एन एक्टर आई फील सेटिस्फाइड और अपने आप को पुश कर सकूँ, कुछ अलग कर सकूँ जो पहले कभी नहीं किया है. और बहुत टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी. एंड आई फील एंड आई बिलीव दैट समटाइम्स व्हेन यू कांट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दैट रियली रियली एक्साइट्स यू, यू गॉट अ क्रिएट वन. सो आई फील लाइक दो पत्ती वॉज दैट अपॉर्चुनिटी इवन एज एन एक्टर दैट आई फेल्ट दैट आई वॉन्टेड टू क्रिएट. एंड आई वॉन्ट थैंक कनिका फॉर क्रिएटिंग इट विद मी एंड फॉर गिविंग मी माई मोस्ट चैलेंजिंग रोल इवन एज एन एक्टर. And this journey has been beautiful because जैसे आप बच्चे को देखते हो ना पैदा होते हुए, फिर धीरे धीरे बड़ा होते हुए, उसके अलग अलग रूप, उसी तरह से मेरी छोटी सी बटरफ्लाई जो है उसकी पहली कथा है, आई वुड से. एंड जर्म से लेकर, आइडिया से लेकर, उसे स्क्रिप्ट बनते हुए देखना, फिर उसे अलग अलग ड्राफ्ट से गुजरते हुए देखना, उसका म्यूज़िक, उसका लुक, वो किस तरह से पर्दे पर आती है, वो सारी उस प्रोसेस का पार्ट होना, आई थिंक वॉज क्रिएटिवली वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. एंड आई होप कि मैं इसके बाद और ऐसी कई कहानियाँ सुना पाऊँ. माशाल्लाह, क्या बात है सर. कनिका, आपसे मैंने जब कहा था कि यू आर लिविंग अ राइटर्स ड्रीम, तो ये एक हर राइटर का ख्वाब होता है कि साहब उसकी कहानी पे उसको सबसे ज़्यादा 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 हक मिले, ठीक है. एवरीबडी लव्स यू, यू आर लाइक रेमंड, ठीक है, पीपल ईट आउट ऑफ योर हैंड्स. तो क्यों आपको लगा कि ये वो सही स्क्रिप्ट है, कहानी है, जिसमें आपको भी एज ए प्रोड्यूसर आना चाहिए? वो क्या मौका था और वो क्या सही तरीका है जिससे इंसान राइटर से प्रोड्यूसर बनता है? पता चल जाए तो हम भी ट्राई करें सब. वेल, यू नो, एज अ राइटर यू नो, स्टोरीज रियली मैटर टू मी, स्टोरी टेलिंग रियली मैटर्स टू मी. And you know, I'm very fortunate that I have an audience as a writer. But you know, the best gift that a teller and an audience can have is a well-told story. And producer banke hi main wo commitment puri kar sakti thi. Mujhe aisa lagta hai. Apni kahani ki producer banke hi I can fulfill that commitment that my story can be well told and the vision will be what it needs to be. So, and Dopati is that story which is very close to my heart. Kriti has been with me on that journey. It'll surprise you, it'll shock you, it'll enthrall you, it'll make you think. So, you know, I'm very fortunate that I got to turn producer with this particular story. And also, I have a platform partner, Netflix, with a global audience, a global reach. The commitment to storytellers and creators. So I couldn't have found a better team to turn a debut producer and launch Katha. Now coming to my most favorite producing partner, Kriti. Yes. As she most beautifully put it, ki choti si butterfly ki pehli katha. You know, she is an incredibly talented actor and I'm so proud to say that, you know, when I saw the rushes and the performance, I think this is her best work till date. And it's just the beginning because she's incredibly, insanely talented. And I'm so proud that, you know, we got to work together. Of course, you know, casting Kajol ma'am as a writer and a producer is a dream come true. She's a legendary actor. And, you know, seeing the screen light up with Kriti versus Kajol is any writer's and producer's dream. सही बात. एंड अबव ऑल
the captain of my ship, I would like to thank my director, Bob, very sought after ad film director. He's not here with us, but he's very excited about this. And all in all, I'm very happy that I got a dream team to debut as a producer and launch my company, Katha Pictures. Kya baat hai? You know, ये मुझे जॉनर का थोड़ा सा समझा दीजिए कि आपको क्यों लगा कि ये वाली फिल्म से ही अपन शुरू करेंगे. What is so attractive about it? Like, I also want to understand this exactly. कि ये थ्रिलर का क्या है ये थ्रिल? आप बहुत सारी लिखती हैं, ठीक है? मुझे थ्रिल में मजा आता है, बोरियत से डर लगता है. अच्छा. और इनके कोई कैरेक्टर सीधे नहीं होते हैं. हाँ. सो ये भी है कि कुछ ना कुछ लेयर्स रहते हैं, थोड़े ग्रे रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग एज एन एक्टर. एंड आई थिंक हम सब ग्रे हैं यार, कहीं ना कहीं. ब्लैक एंड वाइट तो बहुत ही कम लोग होते हैं. बट फॉर मी थ्रिलर, इट्स अ जॉनर दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट, इवन मोर डिफिकल्ट टू डिरेक्ट, बिकॉज यू हैव टू कीप द ऑडियंस एंगेज थ्रू आउट. यू हैव टू कीप दम गेसिंग. एंड मैंने कभी इससे पहले थ्रिलर नहीं किए, मेरी पहली थ्रिलर है. आई वुड नॉट कॉल दिस अ थ्रिलर, आई वुड से इट इज़ एन इमोशनल ड्रामा थ्रिलर, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन इन इट, देर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा इन इट. थ्रिल एक एस्पेक्ट है, टीजर थ्रिलिंग है, बट फिल्म के अंदर बहुत इमोशन है. फॉर मी, मैंने ये नहीं सोचा था कि यार अच्छा इस जॉनर से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक जो आइडिया है, जो फिल्म कह रही है, जो बात कहने की कोशिश कर रही है फिल्म, जो फिल्म देख के ही पता चलेगा, बट वो बात जो थी वो दिल के बहुत करीब थी. और दैट आई शेयर्ड विद कनिका. इनके पास एक आइडिया था, इन्होंने दो आइडियाज़ को ऐसे मैरी कर दिया बहुत ही ब्यूटिफुली. और आई थिंक वो बात कहने का मन था, उससे थ्रिलिंग जॉनर बन गया, वो अलग बात है. है ना, मल्टीपल लेवल्स पे दो पत्ती है ये. जी जी जी. वाह. तो इसमें एक काजोल भी हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, पर उन्होंने मेरे ख्याल से एक संदेशा भेजा है, तो आइए वो देख लेते हैं. कैन यू प्लीज प्ले? हे गाइस, आई एम सो सॉरी आई एम नॉट देयर फॉर दिस नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट, बट वी हैड एन अमेजिंग टाइम ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर, एंड आई होप दैट यू कैन सी इट व्हेन यू सी द टीजर. So all of us, Bob, me, Karika, Kriti, we all had such a good time together, and I think you're going to enjoy the teaser.